हाय एवरीवन, सो होप यू आर डूइंग वेल। बहुत टाइम से ना मुझे लिपस्टिक ट्राई करना था अलग अलग ब्रांड का, बट इतने सारे ब्रांड थे समझ नहीं आ रहा था कौन सा ब्रांड चूज करूं, एंड ऑल्सो जो यू नो पॉकेट पे ज्यादा हैवी ना पड़े। तो बहुत से रिसर्च किया, बहुत रिव्यूज देखा, एंड मैंने कुछ ब्रांड्स शॉर्टलिस्ट किया है जो मैं बहुत टाइम से यूज भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ आई शुड मेक श्योर कि मैं पहले इसको यूज कर लूँ एंड इट शुड बी गुड। ओके, तो कुछ तीन चार ब्रांड्स मैंने शॉर्टलिस्ट किया है जो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है क्वालिटी वाइज, सो आई बी शेयरिंग दैट विद यू एंड ऑल्सो उसके प्राइस भी। सो ये जो मैंने लिपस्टिक लगाया है इट्स फ्रॉम इनसाइड, द शेड इज जॉयफुल विच इज योर। गैस इसका प्राइस क्या होगा, मैंने अमेजोन सेल से लिया तो मुझे ये नियरली यू नो आई गॉट इट इन 69 rupees। आई हैव गॉट अदर टू शेड्स एज वेल, तो इसका एक मैं आपको लगा के बताऊंगी। आई गॉट दिस इन 69 rupees एंड अभी आई थिंक इसका प्राइस चल रहा है कुछ 74 एंड इन जनरल इट इसका प्राइस कुछ 90 रहता है। सो आई वाज वेटिंग कि कब इसका थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हो, कभी सेल है तो मैंने सेल में लिया था ये इनसाइड लिपस्टिक। सो यस, सो इसका मैं आपको दूसरा शेड लगा के बताऊंगी। सो इसका आई बी यूजिंग दिस ब्रांड एंड ये जो शेड नंबर है 14 है, 14 शेड नंबर है, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, 14 शुगर प्लम है। मैं आपको स्वॉच करके बताती हूँ एंड देन विल बी अप्लाइंग डायरेक्टली ऑन आवर लिप्स। आई नो वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है, यू नो देयर इज लॉट टू से बट आई हैव टू कट इट शॉर्ट। ओके सॉरी, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये आई थिंक 4 ml है, इसमें 6 ml भी आता है तो मुझे ट्राई करना आता है। आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि ये अच्छा रहेगा कि नहीं, एंड दिस इज इट्स अ नॉन ट्रांसफर लिप कलर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज इन द शेड कॉल्ड शुगर प्लम, शेड नंबर 14। गॉड, दिस लुक्स रियली ग्रेट। Can you just see the color? It's very beautiful. I really wanted this color for so long. You know, generally I don't wear too bright colors, too pink colors, but I really, really, really wanted this. Okay, so let's see how this looks. This looks amazing. This really looks amazing, and it feels so smooth. बहुत स्मूथली यू नो बहुत स्मूथली ग्लाइड हो गया। इट्स रियली वेरी गुड। सो आई एम इन लव विद द कलर एंड आई कैन फील इट, इट्स गेटिंग सेटल हो रहा है। देर इज नो कलर, इट्स बिकॉज इसका ब्रांड ही बोलता है इट्स अ नॉन ट्रांसफर लिप कलर। सो आई लव दिस क्योंकि इतना बजट फ्रेंडली है। आई गॉट इट इन 69 rupees एंड वॉट एल्स आई कैन एक्सपेक्ट। Okay, so for this color my rating would be 4.5 out of 5। I love this color, जिसको matte पसंद है, जिसको नहीं चाहिए you know बार बार लिपस्टिक बाहर ना आए या फिर स्मच ना हो, दिस इज परफेक्ट फॉर देम। मैंने बहुत टाइम तक इसे वेयर किया है मास्क के अंदर, सो आई एम जस्ट लव विद दिस लिपस्टिक एंड इन 69 rupees वॉट एल्स यू कैन गेट। एंड अभी आई थिंक मैं जो प्राइस बता रही होंगी वीडियो लेट आएगा, बट जनरली इसकी प्राइस जो रहती है वो 90 rupees रहती है। सो मूविंग ऑन, आई विल बी शोइंग यू द नेक्स्ट ब्रांड विच आई शॉर्टलिस्टेड इज ब्लू हेवन। मुझे बहुत मतलब इसके भी रिव्यूज काफी अच्छे लगे हैं एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई द ब्लू हेवन जो बोलता है पाउडर मैट। ये मुझे पड़ा था कुछ 120 rupees में, इसका प्राइस अभी कुछ 127 और 130 चल रहा है। आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन एंड इनसाइड भी आई थिंक आई मेंशन आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन एज वेल। सो ये भी मुझे अच्छा लगा, आई हैव गॉट इट इन द शेड, दिस इज अ कोरल टच का MRP सेज 150, तो ज्यादा से ज्यादा ये 150 तक ही जाएगा। दिस इज हाउ इट्स पैकेजिंग लुक्स लाइक, ठीक है ये इसकी पैकेजिंग है, स्लीक है काफी एंड देन यू कैन इजिली ओपन इट। ओ गॉड, कैन यू जस्ट सी, मेरे को एक रेड कलर चाहिए था, एज आई टोल्ड यू आई लव ओनली दिस फैमिली, सो इतना रेड है इसमें। आई विल स्वॉच इट एंड शो यू, दिस इज फ्रॉम इनसाइड, सो जस्ट वेट अ मिनट। पाउडर मैट द ब्रांड इज कॉल्ड ब्लू हेवन पाउडर मैट। Let's just show you, I don't know.
विजिबल? इट्स अ रेड, मैं आपको लगा के बताती हूँ. सी देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आई गॉट इट रेड कलर. बहुत स्मूथली ग्लाइड होता है, बहुत स्मूथली. यू फील वेरी मॉइस्चराइज योर लिप्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लिप बाम. आई फील गुड. ओके इट्स रेड. फर्स्ट वाले इसमें बताया था इनसाइट. ओके तो वो नॉन ट्रांसफर था और तुरंत यू नो इट जस्ट यू नो वेंट टू मैट. बट ये थोड़ा सा ना यू नो आता है बाहर. आप अगर मास्क पहनोगे तो आप हनुमान नहीं बनोगे, बट यू नो इट कम्स ऑफ, इट कम्स ऑफ दिस लिपस्टिक. तो यू नो यू हैव डिफरेंट ट्रिक्स एंड टिप्स विच यू कैन डू इट. ओके दिस इज ऑल्सो गुड. इट्स क्वाइट बजट फ्रेंडली. ये कुछ 120 में मुझे मिला था, ब्लू हेवन का. सो इट डज द जॉब. एंड अगर आप मतलब इतना मैटी फिनिश नहीं आता, इट्स काइंड ऑफ क्रीमी, एकदम स्मूथली लग जाता है. आप ये ऑल्सो प्रेफर कर सकते हो. आई विल गिव इट 4 एंड इट्स रियली गुड. कटिंग इट इन टू शॉर्ट, बहुत हाइप बना है ये इसका. एंड दिस आई वॉन्टेड टू ट्राई बट आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मुझे ट्राई करना चाहिए कि नहीं. टडा, इट्स नायका का मैंने मिनी लिपस्टिक लिया है, मैट मिनी लिपस्टिक. मुझे नायका का ही लिपस्टिक ट्राई करना था क्योंकि बहुत अच्छे रिव्यूज थे इसके बारे में. बट इसमें और बड़े भी आते थे, बड़ा भी है कुछ 1.5 ग्राम का. इसका बड़ा भी आता है जो नियरली 300-350 का था. मुझे ये नायका हॉट पिंक सेल में हॉट पिंक ही था कि क्या था कि नायका सेल में मुझे 149 रुपीज का पड़ा. एंड अभी मैंने इसका प्राइस चेक किया, सो इट इज 199. So short, I got it in a shade called as bare minimum. I don't know whether it's visible. It's 47M bare minimum. So I'll show you. ये matte lipstick है. I like the packaging. We have written you know such a sweet note in the back. And this is how it looks. This one is small one. This is again I told you it's in a shade called as bare minimum. ये बहुत चिंटू सा है. And ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ. That's all you got, guys. That's all you got. This is in a lighter shade. जो क्योंकि ऑफिस ये सब हम पहन ऑफिस पहन के जा सकते हैं. वेयर कर सकते हैं. अगेन स्वॉच इट एंड शो इट टू यू. जैसा मुझे शेड चाहिए था यू नो इन द शेड न्यू. सो जाओ. वेरी सटल न्यूड है. आप ऑफिस पहन के जा सकते हो कहीं पे भी यू नो. यू दिस कैन गो विथ एनी थिंग. सो आई वॉन्टेड सच काइंड ऑफ कलर. आई लव दिस शेड. इसी में मैंने एक और शेड लिया. ये ऑब्वियसली मैंने आपको बोला कि बाहर आता है. इसमें मैंने एक नया इनका ट्राई किया था विच इज नायका डियाना. आई स्पेयर मी अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया है तो. इट्स अल्ट्रा, अगेन दिस इज अल्ट्रा मैट मिनी लिपस्टिक. ये मुझे 179 का पड़ा था. अभी कुछ इसका 240 है इसका शेड. एंड ये भी थोड़ा सा पिंक में ही है. ऑफिस वेयर के लिए लिया था. सो आई जस्ट वेट बता देती हूँ. देयर यू गो, दिस इज द शेड. ये थोड़ा सा और मैंने डार्क लिया है ऑफिस वेयर के लिए है. और ये मुझे लिपस्टिक कहीं से फ्री नहीं मिला है. क्रीमी, अगेन क्रीमी. ये भी क्रीमी है नायका का. मैंने आपको प्राइस ऑलरेडी बता दिया है. अगेन इट्स अ मिनी लिपस्टिक. यू कैन गो इट, दे ऑल्सो हैव अ वेरिएंट टाइप थिंग विच इज बिगर इन क्वांटिटी. एंड आई लव दिस शेड. क्रीमी है, ब्रांड है, वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, बहुत सारी चीजें आती है. सो अगेन ऑफिस वेयर के लिए चाहिए था मुझे थोड़ा सा यू नो पिंक में डार्क. इट्स काइंड ऑफ पीच में भी. सो आई लव द शेड. अगेन आता है बाहर और जब मास्क पहनते हो तो वो आता ही है. दो इसकी रेटिंग काफी अच्छी है नायका पे. इट्स 4.2 बट आई रियली लाइक इट. ठीक है, मैंने रेटिंग्स नहीं दिए ना. आई गिव इट 3.8 फ्रॉम 5. नायका को भी मैं 3.8 ही दूंगी. क्योंकि लाइक नायका जस्ट बिकॉज ऑफ क्वांटिटी और जो मेरा प्राइस का कंस्टेंट था उस हिसाब से मैंने दोनों नायका लिपस्टिक को 3.8 दिया है और मैंने ब्लू हेवन को 4 दिया है. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट लिपस्टिक फॉर द डे. सो लेट मी शो यू.
ये थोड़ा सा मैंने इसके लिए अपने आप को एक्सटेंड किया. दिस इज फ्रॉम मेबलिन एंड द शेड इज 657 विच इज कॉल्ड इज न्यूड न्यूआंस न्यूड न्यूआंस. आई थिंक दिस इज द प्रोनाउंसिएशन. ओके सो दिस इज इन द शेड ऑफ 657 फ्रॉम मेबलिन. आई हैव गॉट दिस फ्रॉम नायका. आई थिंक 179 में मुझे कुछ पड़ा. मुझे इसकी भी रिव्यू बहुत अच्छी थी एंड आई थिंक इट वॉज अ बेस्ट सेलर फॉर नायका दैट डे जब मैंने इसको परचेस किया था. तो मैं आपको इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है. लाइक लुक एट दिस. ओके सो आई जस्ट वॉच इट एंड शो इट टू यू अगेन. आई हैव टोल्ड यू मैंने रेड मैंने पिंक डार्क पिंक चाहिए था मैंने डार्क पिंक ले लिया. मैंने मुझे रेड चाहिए था मैंने रेड ले लिया. ये मेरी पिंक ऑफिस के लिए. अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर माई ऑफिस जो कि मैंने एक ब्राउन में लिया है अगर आप देख सकते हो. ठीक है ये मुझे बहुत पसंद है. मैंने लगाने से पहले बता दिया. आई एम सो सॉरी फॉर दिस बट देन आई रियली लाइक द मेबलिन शेड एंड यू शुड गो फॉर इट. ये थोड़ा सा मैंने जैसे आके आपको बताया कि नायका को मैंने 3.8 दिया है बट मेबलिन के लिए मैं थोड़ा एक्सटेंड भी मुझे लिटरली ट्राई करना था बट आई कैन से इट्स वर्थ द प्राइस. पैकेजिंग इसकी बहुत सही है. क्वांटिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है. देखिए लव द लिपस्टिक. ओके रेटिंग्स की अगर बात की जाए आई गिव इट 4.4. मैं इसको 4.4 रेटिंग क्यों दे रही हूं क्योंकि बेस्ड ऑन द क्वालिटी बेस्ड ऑन द क्वांटिटी बहुत स्मूथली ग्लाइड होता है. एंड जो बाकी के मैं अगर ब्लू हेवन या नायका से कंपेयर करूं ठीक है प्राइस के हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से दो इसका प्राइस ज्यादा है बट इट इज वर्थ इट. जब आप इसको लगाओगे ना इतना स्मूथ इट ग्लाइड्स ऑन योर लिप्स ना यू विल फील लाइक हेवन ऑनेस्टली. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आपको ये वीडियो यूजफुल रहा हो एंड इट विल हेल्प यू नो टू शॉर्टलिस्ट योर लिपस्टिक्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इट रियली मीन्स अ लॉट एंड प्लीज लेट मी नो इन टू द कॉमेंट सेक्शन कि आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है एंड विच वन यू प्रेफर. एक चीज तो बोलना ही भूल गई. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. प्लीज स्टे सेफ स्टे हैप्पी टेक केयर. दैट्स इट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.